वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी से हमारे मिलने का हुआ था। जब हमने पहली बार सिद्धांत रूप से वक्तव्य दिया था तो उनके लोग हमसे संपर्क किए थे और कहा था कि वो आएंगे, तो हमने सोचा था कि वो आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई कौन सी विद्या है, क्या जानकारी है, लेकिन वो आज तक हमारे पास आए नहीं। और जब तक वो आए नहीं, उनसे हम कुछ जानते समझते नहीं है, तब तक उनके बारे में हम क्या कहते। हमने ये जरूर कहा था महाराज जी पता तो लगाया हुआ कौन सी विद्या है। चमत्कार के बारे में हमने कहा था कि अगर चमत्कारों से काम चलता होता तो फिर प्रयास की जरूरत ही समाप्त हो जाती इस संसार से। हमने ये प्रश्न कहा था कि अगर चमत्कार से रोग दूर हो जाते तो वो जो जिनका नाम आप ले रहे हैं वो खुद अनाउंस कर चुके हैं कि हम एक बहुत बड़ा अस्पताल यहाँ बनाएंगे 100 करोड़ रुपए का। तो 100 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाने की चमत्कारी व्यक्ति को क्या जरूरत हो जाती। धार्मिक कारण से धर्मांतरण नहीं हो रहा है, राजनीतिक कारण से धर्मांतरण हो रहा है, पहली बार। दूसरे, इसका विरोध आप देखिए, जो धर्मांतरण हो रहा है उसका विरोध भी धार्मिक लोग नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक लोग कर रहे हैं। देखिए अभी अभी संसद भवन बना है, उसकी प्रेरणा हमने कहां से ली? आप लोग तो चैनल वाले हो, दिखाते रहते हो कि किस देश में कैसी संसद बनी है, वहां से प्रेरणा लेकर के बनाया। तो हम अपने अनुसार अगर बनाते तब हम ये कह सकते थे, जब हम दूसरे देशों को देख करके उनके जैसी चीजें अपने यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कहाँ अपने अनुसार हुए, आत्मनिर्भर कहाँ हुए? अभी तो हम परमुखापेक्षी हैं, तो परमुखापेक्षी हैं तो हम कैसे विश्वगुरु हो गए? अब तो विश्व चेला ही कहना पड़ेगा हमको। ये है कि पूरा मंदिर बन गया तो निर्माण चल रहा है, तो कैसे रामलला आ जाएंगे? कौन से शास्त्र में लिखा है कि आधा निर्माण हो जाए तो उसमें जाके रहने लगो? समान नागरिक संहिता के बारे में हमारे संविधान में ही अभी कथन किया गया है, 75 वर्ष बीत गए। समान नागरिक संहिता बनाने के नाम पर हम हिंदुओं के धर्मशास्त्रों की बहुत सारी बातों को हटा करके उनके स्थान पर कानून बना दिया है।